नांदेड़ एयरपोर्ट से पानी की निकासी का मसला अब सरकारी महकमों के बीच जंग की सूरत अख्तियार कर रहा है। नांदेड़ एयरपोर्ट से लाखों लीटर पानी आतराफ की आबादी और तालीमी इदारों को मुतासिर कर रहा है। खासकर पीर बुरहान नगर में अक्सर एयरपोर्ट से खारिज होने वाला पानी घरों में दाखिल हो जाता है। 20 अगस्त की बारिश के बाद भी यही सूरत हाल सामने आई, लेकिन इस बार आबादी के साथ साथ तालीमी इदारे भी इस पानी से मुतासिर हुए। यहाँ तक कि नांदेड़ का बड़ा तालीमी इदारा MGM कॉलेज भी एयरपोर्ट से आने वाले पानी से परेशान हो गया है। MGM इंतजामिया का कहना है कि एयरपोर्ट से आने वाला पानी कॉलेज की लेबोरेटरी में दाखिल हो गया, जिससे मशीनरीज और 20 कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा है। बल्दिया उज़्मा की मेयर शैलजा स्वामी का कहना है कि इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी शिकायत की है और इस मामले में जल्द अज जल्द निकासी का सही इंतजाम करने की मांग की, वरना एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह मेयर ने दिया है। विमान प्राधिकरणाला आम्ही पत्र दिलेलं आहे आणि त्यांच्या इथे जे पाणी त्यांच्या इथे जे पाणी येतं तिथून विमानतळावरून तर त्याची व्यवस्था त्यांनी केलेली नाही आहे, तर त्या पाण्यामुळे सगळा पाण्याचा जो फ्लो आहे तो पूर्ण खाली आनंदनगर वगैरे एरियामध्ये येतो। पीरबुरांमध्ये त्याचा अफेक्ट झालेला आहे, आपण बातमी पाहिली, MGM कॉलेजलाही त्याचा त्रास झालेला आहे, तिथलंही कोट्यवधीचं नुकसान झालं आहे, रायगडनगरलाही त्या पाण्यामुळे त्रास होतो। तर आम्ही त्यांना पत्र दिलेलं आहे आणि त्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित केली, त्यांनी तात्काळ त्यांच्या इथे जमा होणाऱ्या पाण्याचा त्यांनी व्यवस्था करावी, त्याची विल्हेवाट लावण्याची नसता प्रशासकीय स्तरावरून त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येईल।